Hey guys, this is Akash and you are watching Byte Vita. And guys, अगर हम Google के Pixel को किसी एक तरीके से डिस्क्राइब करना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि Google ने इसको लेकर बहुत से स्मार्ट मूव यानी कि बहुत से हथकंडे ट्राई किए थे, खासतौर पर इसके कैमरे और अल्ट्रा फास्ट फेस अनलॉक सिस्टम को लेकर। बट इसकी बेकार बैटरी एक ऐसा रीज़न था जिसने इसे एक ईजी रिकमेंडेशन से दूर कर दिया था। हाउएवर, इसमें कोई शक नहीं कि पिक्सल 4 एक शानदार फ़ोन था, बट फ़ोन का शानदार होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मैटर ये करता है कि डेली लाइफ में उसको लेकर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन कितना है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि गूगल ने कंज्यूमर के फीडबैक से कुछ सीखा होगा और डिवाइस के नेक्स्ट एडिशन में इंप्रूवमेंट किया होगा, बिकॉज इन दिनों पिक्सल 5 के रेंडर्स एंड रूमर्स इंटरनेट पर आने लगे हैं। वेल, पिक्सल के फर्स्ट एडिशन की बात की जाए तो गूगल ने इसे पहली बार अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया था, और इसी तरह बाकी एडिशन भी हर साल मिड अक्टूबर में लॉन्च किए जाते रहे हैं। वैसे इस बार तो पॉसिबल नहीं कि पिक्सल 5 का लॉन्च गूगल पहले की तरह किसी प्रेस इवेंट में करेगा, सो उम्मीद है कि इसका लॉन्च एप्पल के डेवलपर कॉन्फ्रेंस की तरह ही वर्चुअली किया जाएगा। खैर, पिक्सल 5 के रेंडर्स की बात की जाए तो फ्रंट से इसका लुक पिक्सल 4a से मिलता जुलता ही है। अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन डिटेल, ये फ्लैगशिप फ़ोन लगभग 144mm लंबा, 70mm चौड़े होने के साथ साथ बैक पे कैमरा बम्प होने की वजह से इसकी मोटाई 9.5mm तक हो सकती है। कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन आईफोन XS से मिलता जुलता है। इसके इनपुट्स को देखा जाए तो डिवाइस के बॉटम साइड पे टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकता है, और उससे ही लगे हुए स्पीकर लेफ्ट एंड राइट हैंड पर देखने को मिल सकते हैं। खुशी की बात यह है कि इस पे कोई हेडफोन जैक नहीं है। और जब बात आती है स्पेक्स की, तो पिक्सल फ़ोन की हिस्ट्री बड़ी मिक्स ही रही है। कभी ये क्वालकॉम का टॉप लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ करते हैं जिस पर रैम की कैपेसिटी एवरेज होती है, साथ ही साथ बैटरी के तो कहने ही क्या। वेल, हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो अपकमिंग डिवाइस पे स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर होना चाहिए, बट XDA के मेंबर सी स्टार्क ने गूगल कैमरे के रिलीज बिल्ड की कॉन्फ़िग फाइल को देखने के बाद बताया कि उसका कोड नेम स्नैपड्रैगन 765G से असाइन था। वैसे 765G एक बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है जो कि 5G सपोर्ट के साथ आता है, एंड क्वालकॉम के लाइनअप में दूसरा हाई एंड प्रोसेसर है। और साथ ही साथ देखा गया है कि गूगल काफ़ी टाइम से एक ही डिज़ाइन के साथ चिपका हुआ है, जिसका सीधा सा मतलब है कॉस्ट कटिंग। इन दो रीजन से शायद कंपनी इस डिवाइस को थोड़े लोअर प्राइस टैग पर लॉन्च करने का सोच रही होगी। अब अगर मैं इसके डिस्प्ले और कैमरे की बात करूं तो कहा जा रहा है कि इस पे 5.78 इंच का OLED डिस्प्ले हो सकता है, और फ्रंट कैमरा सिंगल पंच होल के साथ दिया जा सकता है। और बात करें इसके बैक साइड की, तो इस पे ट्रिपल रियर कैमरा एरे होगा जिसमें एक प्राइमरी और दूसरा टेलीफोटो कैमरा सेंसर हो सकता है। वैसे रैम एंड स्टोरेज के मामले में गूगल को बहुत ही कंजूसी करते देखा गया है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिक्सल 4 को छोड़कर बाकी सारे वर्जन में गूगल ने रैम की लिमिट से 4GB तक सीमित रखी थी। बट अगर कंपनी इस बार स्टोरेज एंड रैम की लिमिट इंक्रीज करेगी तो शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब बात आती है डिवाइस के सिक्योरिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो पहले की तरह ही फोन में फेस अनलॉक सिस्टम के साथ साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है, और नो डाउट ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 प्लेटफॉर्म पर ही रन करेगा। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने ओपिनियन हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के लेटेस्ट टेक एंड गैजेट पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।